अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि खैर से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। वजह ये कि मैं जिस केज में फीमेल एल्फ ने अपना जो एग हैच कर लिया और उसमें से एक छोटा सा पैसा बच्चा निकल आया। मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे आवाज़ें आ रही थी उस छोटे बच्चे की। तो ये देखिए, अभी जो मेल है फीमेल को फीड करवा रहा है, और जो फीमेल जो है वो आगे अपने बच्चे को जो है फीड करवाएगी। तो अब देख सके इसने कितने अभी तक बच्चे निकाले हैं। तकरीबन मैंने एक हफ्ते पहले इसके एग्स चेक किए थे, तो इसने तकरीबन 4 या 5 अंडे थे इसके जो इसने ले किए हुए थे। तो अभी तक मुझे ये नहीं पता कितने बच्चे हैच हो चुके हैं। तो अब हम जल्दी से चेक करते हैं और देखते हैं कि फीमेल ने कितने अभी तक हैच किए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर लें। तो मेरे ख्याल से अभी जो फीमेल है अपने बच्चे को जो है फीड करवा रही है, हम देख लेते हैं। तो वो देखें माशाल्लाह, ये भी न्यू बॉर्न है। तो देखते हैं, इसने अभी तक एक ही हैच की है। ओह माशाल्लाह, इसने तो 2 हैच किए हुए हैं। और ये डिस्टर्ब हो गई है थोड़ी सी, देखिए इसने अपने नीचे कर लिए बच्चे। ऊपर से मैंने जो कवर कर दी थी मटकी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, और इधर से देखिए इसने खा खा के जो मटकी के अंदर सुराख कर दिया, यानी कि अब 2 सुराख हो चुके हैं मटकी के अंदर। तो अब चेक करते हैं, ये पीछे बिल्कुल भी नहीं। अभी अच्छा माशाल्लाह से अभी इसके जो है 3 अंडे जो भी हैच होने वाले रहते हैं, और इसने जो है 2 बच्चे माशाल्लाह से हैच कर लिए। और फीड भी बहुत अच्छे से करवाई हुई थी, क्योंकि मेल जो है वो फीड करवा देता आगे अपने बच्चों को। तो जी हाँ, अभी आपने देख ही लिया कि माशाल्लाह जो फीमेल है उसके भी 3 जो एग्स है वो हैच होने वाले रहते हैं, और उसने जो 2 एग्स है उन्हें हैच भी कर लिया, और छोटे छोटे पैसे जो बच्चे आ गए हैं इस दुनिया में पैदा हो गए हैं। और फीड भी इसने माशाल्लाह से अच्छे से करी है, माशाल्लाह पाल तो अच्छे से लेती है। तो मैं सोच रहा था ये जो इसके साथ बच्चा है ये काफ़ी बड़ा हो चुका, फ्लाई भी देखे सही से कर लेता है, और खाना भी कुछ स्टार्ट हो गया है। तो इसको क्यों ना हम कॉलोनी में जो शिफ्ट कर दें, ताकि इजीली फ्लाई भी कर सके, और इसका कोई किसी के साथ पेड़ भी बन जाए, और ये भी जो है ब्रीडिंग करे। तो मैं जो लॉक खोलता हूँ इसका, फिर इसको पकड़ लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से मेल है और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, देखिए फ्लाई भी सही कर लेता है, इसको ईजीली पकड़ लेते हैं। ये देखिए मैंने पकड़ लिया इसको, ये बिल्कुल बाइट नहीं करता, क्योंकि इसको मैं पहले भी निकालता हूँ। ये देखें, यानी कि बिल्कुल भी नहीं डरता, ये देखें बिल्कुल भी नहीं। इसको जो हम कैलोनी में शिफ्ट करते हैं, कैलोनी का जो है लॉक खोलते हैं और इसको जो है रिलीज़ कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इनका केज जो काफ़ी गंदा हो चुका है, ये देखिए लगे पहले मैंने सफाई की है, लेकिन फिर भी बीठे वगैरह उतनी है। वो देखिए वो बैठा हुआ है, अभी थोड़ा स्ट्रेस में है, लेकिन इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, ये देखें अभी बैठा हुआ है। अच्छा, इस फीमेल ने अभी तक कुछ भी हैच नहीं किया, इस अंडों पे अभी बैठी हुई इनको वेट कर रही है। इसके भी इंशाल्लाह जल्दी जो है बच्चे जो है हैच हो जाएंगे। और इस फीमेल ने जो है इसका तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है बच्चा, ये देखिए बच्चा तो ये है, और इसकी जो मदर है वो ये बैठी हुई है, ये वाली ये जो येलो और ग्रीन है इसकी मदर है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं छत पे आ चुका हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल काफ़ी हुए हैं। ये देखें आसमान पे बादल काफ़ी है और गरज भी रहे हैं, और मैं भी ये देख रहा हूँ कि हमारे जो ब्लैक मुर्गी है उसने अभी तक अंडा नहीं दिया। तो वैसे जब मैं रोज़ खोलता हूँ तो अंडा दे देती है, अंडा होता है उसमें केज में, लेकिन आज जो उसने अभी तक अंडा नहीं दिया। तो ये देखिए अब केज के पास जा रही है, क्योंकि इसने भी अंडा देना है, तो ये जगह बनाएगी फिर उसके बाद अंडा दे देगी। उल्टे काम देखे अब इसके, इतनी सी नुक्कड़ में इसी कहाँ जाएगी अंदर, अब इसको जगह नहीं मिल रही। हालांकि इसको पता भी कि रोज़ मैं इसके अंदर अंडे देती हूँ, लेकिन फिर भी जानबूझ के अब देखे ड्रामे कर रही है। इतने से जो सुराख है, इतनी दहलीज जो है, इसके अंदर सब कैसे जाएगी पागल। ये देखे इतना बड़ा इसके रास्ता नज़र नहीं आ रहा, फिर उधर चली गई है, अभी देखे दोबारा आ जाएगी। तो अब इसका मतलब पक्का है कि इसने अभी अंडा देना है, तो इसलिए कभी आती है फिर जाती है, अभी केज के अंदर चली जाएगी, उसके बाद फिर अंडा दे देगी। मुर्गा जो मुर्गी को भी गाइड करेगा, ये देखिए जगह बना रही है, ये थोड़ा सा होल बनाएगी फिर अंडा दे देगी। ये देखें उसको समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पे अंडा दूँ, किस कॉर्नर पे दूँ, उसको जगह ही नहीं कोई पसंद आ रही। थोड़ा सा साइड पे होते हैं, फिर देखते हैं मुर्गा उसको गाइड करता है और किस तरह गाइड करता है। देखिए थोड़ा सा साइड पर हो गया, मुर्गा साहब कह रहे मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारा मामला है, ये तुम्हारा मसला, जो तुम्हें करना करो। इसने पिछले हफ्ते से आई थिंक तो स्टार्ट किए हुए एग ले करना, और इस दफ़ा तो माशाल्लाह से इसने बच्चों को छोड़ने के बाद बहुत जल्दी अंडों पे आ गई थी। अब ये देखें यहाँ पे बैठ गई, यानी कि इसको ये जगह पसंद आ गई, अब यहाँ पर ये अंडा दे देगी, तो अब इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि ये टाइम ही इस तरह का होता है, तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। जब भी अंडा दे देगी उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है मेरे ख्याल से, अब तक तुम हमारे जो ब्लैक मुर्गी से अंडा दे दिया होगा, तो अभी क्योंकि वो बाहर निकलने वाली है केज में से, और मेरे ख्याल से भी अंडा दे दिया होगा, तो केज से बाहर निकल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, निकल गई भाग गई है। तो वो देखें इसका प्यारा सा छोटा सा अंडा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें ना सॉफ्ट सा कलर इसका, बहुत डार्क होता है इसके अंडे का, जो हमारी बड़ी मुर्गी है उसके जो अंडा होता है उसका जो कलर होता है थोड़ा लाइट सा। तो मेरे ख्याल से जो हमारी बड़ी मुर्गी उसने आज लास्ट अंडा देना है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से जो है मुझे लग रहा है जैसे उसने जल्दी क्रुक हो जाना, उसने तकरीबन यही कोई 10-12 अंडे दे दिए होंगे, तकरीबन कंप्लीट हो गए होंगे। तो जो हमारी ब्लैक मुर्गी से तो अभी स्टार्ट किए, इसका तकरीबन चौथा पाँचवा अंडा है, और जो हमारी जो बड़ी मुर्गी है वो उधर देती है सीढ़ियों के पास जो है केज, उसके पास देती है अंडा, और जो हमारी ये वाली मुर्गी है ब्लैक वाली वो यहाँ इस केज में जो है अंडा देती है। मैं आपको वो वाली मुर्गी दिखाता हूँ, बड़ी वाली मुर्गी, मेरे ख्याल से वो अंडा देने बैठी तो हुई है। तो ये देखिए इसके लिए जगह कितने मज़े की बनाई हुई है, इसके लिए स्पेशल तो नहीं थी बनाई, लेकिन यहाँ पर जो है क्रेट पड़े हुए थे, तो इसने खाली देख रही इसके अंदर अंडा देने इसने स्टार्ट कर दिए थे। और मेरे ये देखिए क्रुक होकर बैठ गई है, ये देखिए आवाज़ें निकाल रही है, ये आज ही क्रुक हुई है, अभी अभी मेरे ख्याल से हुई है। और देखिए कभी इसमें तो वैसे अंडा नहीं देती, लेकिन इसमें जो है इस वाले में ज़्यादातर देती है अंडा, ये तुम्हारी ब्लैक मुर्गी का अंडा है। तो ये देखिए क्रुक हो गई, तो अपन नीचे ले लेगी अंडा, ये देखें कैसे घूर रही है इस अंडे को, ये देखें अभी अपन नीचे ले लेगी, ये देखें इसका ये मतलब कि अब क्रुक हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से इसने अभी तक अपना अंडा तो नहीं दिया होगा, उठा के देखते हैं। ओह वाओ, इसने अंडा तो दिया हुआ है, ये वाला ब्लैक का है और ये वाला इसका है, अभी गर्म है बिल्कुल, ये देखें पता नहीं कब से इसने अंडा दिया और बैठी हुई अंडे के ऊपर, ये देखें इसका कितना छोटा सा अंडा है, ये देखें ब्लैक का जो मोटा भी है माशाल्लाह से और बड़ा भी है इसका छोटा, इसका देखें इसका लाइट कलर है अंडे का, ये देखें रोशनी में, ये देखें इसका जो लाइट ब्राउन सा कलर है, इसका जो थोड़ा डार्क कलर होता है, देखें माशाल्लाह से इसकी मस्तियाँ चेक करें, इस खोते की मस्तियाँ चेक करें, ये देखें मस्तियाँ देखें इसकी, ये अब कह रहे मुझे उठाओ, मस्तियाँ चेक करें, ये बैठ गए इसलिए कि मुझे उठा लो, नहीं उठाना जी क्या कर लोगे, नहीं उठाना, ये देखें ये बहुत बदतमीज़ है, शरारती खोता है ये पूरा, खोता है ये खोता है हमारा ये बड़ा खोता है, ये लड़ाइयाँ करता है बड़े वाले मुर्गे के साथ, फिर कुट खा के खुद ही भाग जाता है, अपने से बड़ों से पंगे लो तो फिर यही हाल होगा ना। वो देखें उसको, वो ऊपर चढ़ा हुआ दीवार के ऊपर, और इस खोते को देखें ये मस्तियाँ आप कर रहे हैं, मैं सोच रहा था इसको चुटकियों पे ना ले आते हैं, देखें। अच्छा एक भाई थे वो कह रहे थे कि ना अपनी मुर्गियों का और चूज़ों का शौक करवाएं, काफ़ी दिनों से वो कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है उन्हें दिखा दूँ, उनके लिए स्पेशल ही वीडियो है, ताकि वो क्योंकि रोज़ वो कमेंट बनता अच्छा नहीं लगता कि वो रोज़ कहते हैं कमेंट में कि मुझे अपने बर्ड्स का अपने मुर्गियों का शौक कराएं और मैं ना कराऊं, तो ये एक तरह का एटीट्यूड में मैं समझता हूँ आ जाता हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इस तरह की पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन तभी हमारे जो चूज़े हैं थोड़े मुर्गे जो हैं अभी जो बड़े हो गए पट्टे जिसने हम कहेंगे, तो ये थोड़े तब बहुत छोटे थे, तब माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, तो वो कह रहे थे तो मैं अब दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये वाला जो हमारा मुर्गा है, और ये अभी जो है जवान हुआ, ये देखें खोते की हरकतें देखें इसकी, ये ज़्यादा ही एटीट्यूड प्यार दिखाता है। ओए बस 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 शांत हो जाओ बस बस। ये देखें माशाल्लाह, ये माशाल्लाह से बहुत ही जो है लाड दिखाता है, मस्तियाँ देखें अब इसकी, अब इसने मस्तियाँ करते रहना है, बस ज़्यादा नहीं शोखे होना, ज़्यादा हो जाता है। अच्छा इसकी माशा से आंख देखें और इसके पंजे देखें और इसका सहरा, बस बहुत हो गया। इसका मुंह देख लें, इसकी चूंच और आंख, अभी ये माशाल्लाह से हो गया तकरीबन 8 महीने का, हाँ जी 8 महीने का हो चुका है, और अभी इसने 9 महीने का होना है इस मंथ में, तो अभी तक इसने अजाने तो नहीं वैसे देना स्टार्ट की। तो ये देखें इस खोते को मैंने उठा लिया, इसके लाड ही नहीं ख़त्म होते, ये देखें बड़ा खोता है। तो अब इसके बाद जो मैं आपको बड़ा मुर्गा दिखाता हूँ जो कि सबसे बड़ा है, और ये मेरे पास माशाल्लाह से दो ढाई साल हो गए मेरे पास, और इसको मैं छोटा सा चूज़ा तब इसको मैंने पाला था, और अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा बड़ा मुर्गा, और इसकी आप पंखे चेक कर लें, और इसके नाखून जिसे हम कील कहते हैं, ये देखें ये सबसे बड़ा है हमारा मुर्गा, और इसके कील ये काफ़ी बड़े हैं माशाल्लाह से, मैं आपको सही से इसको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये इसकी आँखें,
वाइट कलर में है, और इसका चूंच देखें, छोटी सी माशाल्लाह से चूंच है, और ये काफ़ी छोटा सा, यानी कि एक हफ्ते का जब मैंने लिया था, ये अकेला लिया था, और ये इसके कील हैं, काफ़ी माशाल्लाह से बड़े हैं, और ये ओरिजिनल कील हैं इसके, ये देखें, ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है एक दो हफ्ते से, और खाता भी कुछ इतना सही खास नहीं है। तो इसका कलर देखें माशाल्लाह से जावा है, इसकी हाइट जो है वो इतनी कुछ खास नहीं है, छोटी हाइट वाला है, ये देखें माशाल्लाह। और आपने कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है, और आपको अच्छा लगा तो आपने ये भी बताना है कि आपको कैसा लगा। ये देखें माशाल्लाह से, अब इसको हम जो छोड़ देते हैं। अब जो है मैं आपको बाकी पट्ठे दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको एक ही पट्ठा दिखाया है, और अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ब्लैक में भी है, क्योंकि ब्लैक जो इतना ज़्यादा अटैच नहीं है मेरे साथ, ये थोड़ा डरता भी है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं इसकी पता। जी हाँ, मैंने अभी ब्लैक जो उसको पकड़ लिया, इसका ताज देखें माशाल्लाह से, इसका ताज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखें। और इसकी आइज़ जो है अभी तो फ़िलहाल ऑरेंज है, और इसके ये पाँव देखें बिल्कुल फोल्ड किए हुए हैं इसने। और ये रही जो हमारी मुर्गी हैं, छोटी भी पट्ठी हैं अभी तक तो, इसने इन्होंने अंडे देने स्टार्ट नहीं किए, और ना ही जो हमारा मुर्गे हैं वो अभी तक अजाने देते हैं, जो छोटे दोनों, यानी कि दो मुर्गी हैं और दो मुर्गे हैं, पहले एक इनके साथ एक और मुर्गी थी लेकिन वो उसको जो है बिल्ली ने पकड़ लिया था। तो एक जो मुर्गी मैंने आपको पहले भी दिखाई जो क्रुक हो गई है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ सही से उठा के, तो इसको उठाते हैं, ये देखें, ये जावा नस्ल की है, इसका माशाल्लाह से फेस बहुत प्यारा है, वाइट कलर की इसकी आइज़ हैं, और इसके पंजे जो हैं ये भी ऑफ वाइट में है, यानी कि वाइट कह सकते हैं हम इसे, और इसका कलर जो है ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा माशाल्लाह से इसका कलर है, और हाइट भी इसकी अच्छी है। इसको दोबारा बिठा देते हैं, तो जी हाँ, अभी आपने मुर्गी और मुर्गे तो देख लिए, लेकिन अभी तक आपने छोटे चूजे नहीं देखे। आप जानते ही हैं जहाँ बड़े होते हैं वहाँ छोटे भी तो होते हैं ना, तो जल्दी से मैं आपको वो दिखाता हूँ, छोटे चूजे, जो छोटे चूजे हैं वो इस वाले केज में हैं, ये देखें बाहर देखें कैसे आते हैं, ये देखें, ये माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी है, और ये वाले ये ना मिक्सचर है, ये मैंने आपको पहले बड़ा मुर्गा हमारा दिखाया ना उसका, और एक हमारी देसी मुर्गी थी, तो उसका जो है ना बच्चा है ये वाला, ये दोनों माशाल्लाह से फीमेल, यानी कि दोनों मुर्गी हैं, और ये जो है ये एस्ट्रोलोप थी मुर्गी, तो उसका ये बच्चा है, ये देखें। बादाम जो होते हैं मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसको बादाम देख कितने शौक से खा रहा है, इसको बादाम बहुत ज़्यादा पसंद है, माशाल्लाह से बहुत शौक से खाता है, ये देखें, बाकियों को बुला रहा है, माशाल्लाह से बादाम जो बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, ये देखें कैसे खा रहा है। अब ये देखें, जैसे मैंने इसके पास आना है इसने इस तरह बैठना शुरू हो जाना है, और आवाज़ें निकालता है, ये देखें, ये टेंशन शो करता है कि मुझे पकड़ लो अब, बस बस बस, कभी कभी गुस्से में मस्ती में आके जो चूँच मार देता है, ये देखें क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया है, क्या मसला है।